350 साल पुराना ज्ञानवापे मस्जिद विवाद एक बार फिर सुर्खियों में आया। ज्ञानवापे मस्जिद मामले में कोर्ट ने सुनाया अहम फैसला। वजू खाने को छोड़ पूरे ज्ञानवापी परिसर का होगा सर्वे। आपको बता दें, कल शुक्रवार को वाराणसी के जिला जज डॉक्टर अजय कृष्ण ने मां श्रृंगार गौरी मामले में ज्ञानवापी के सील वजू खाने को छोड़कर पूरे ज्ञानवापी परिसर का सर्वे करने का आदेश दिया। अदालत ने कहा अब ASI बताएगी किस तरह और कैसे सर्वे होगा, जिससे ज्ञानवापी परिसर में किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हो। मुस्लिम पक्ष की आपत्तियों को खारिज करते हुए ASI को सर्वे करने का आदेश दिया गया, जिसके बाद हिंदू पक्ष की ओर से कोर्ट गूंज उठा हर हर महादेव के जयकारों से। हिंदू पक्ष ने इसे बड़ी जीत करार दिया, कहा अब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आपको बता दें, पहले सर्वे में हुए वजू खाने में शिवलिंग मिलने का दावा किया गया था, लेकिन मुस्लिम पक्ष ने इसे फव्वारा बताया था। वही दूसरी ओर हिंदू पक्ष का दावा है कि यह हमारे आदि विश्वेश्वर का ज्योतिर्लिंग है, इसकी पूजा के इंतजाम किए जाए और ज्ञानवापी परिसर हिंदुओं को सौंपा जाए। लेकिन मस्जिद प्रबंधन के वकील मोहम्मद तौहीद खान ने कहा कि यह जल्दबाजी में दिया गया आदेश है। वही दूसरी ओर आपकी जानकारी के लिए बता दें, अदालत में हिंदू पक्ष की 4 महिलाएं रेखा पाठक, मंजू व्यास, लक्ष्मी देवी, सीता साहू की तरफ से 16 मई को प्रार्थना पत्र दिया गया था, जिसमें वजू खाने को छोड़कर बाकी क्षेत्र का ASI से सर्वे करवाने की मांग की गई थी। सुनवाई 14 जुलाई को पूरी हो गई थी। कोर्ट ने आदेश सुरक्षित रख लिया था। आपको बता दें, इसी आदेश पर राम जन्मभूमि के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र सिंह ने भी बयान दिया। उन्होंने कहा कि ASI ने ही राम जन्मभूमि की खुदाई कर प्रमाणित किया था कि वहां मंदिर था जिसे तोड़कर मस्जिद बनाई गई थी। अब इसी को ASI को ज्ञानवापी का सर्वे करने के लिए दिया गया है। वहां भी ऐसा ही होगा, सर्वे से मंदिर का स्वरूप स्पष्ट हो जाएगा। अब हम आपको बताते हैं इस आदेश की कुछ खास बातें। ASI की ओर से 3 गुबंद का सर्वे होगा। ज्ञानवापी के व्यास जी के तहखाने की जांच भी वैज्ञानिक पद्धति से होगी। सर्वे की पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी करवाई जाएगी। ASI सर्वे के आधार पर कोर्ट ज्ञानवापी में श्रृंगार गौरी की दैनिक पूजा पर फैसला देगी। फिलहाल कोर्ट ने ASI को 4 अगस्त तक रिपोर्ट दाखिल करने के लिए निर्देश दिए हैं, जिसके बाद इस मामले में अगली सुनवाई अगस्त में होगी।